होली का त्यौहार आने वाला है और घर पर कुछ मीठा ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ वो हमारे बिहार और झारखंड में बहुत प्रसिद्ध है और होली के जैसा फेस्टिवल के समय में ये तो हर घर में ही बनता है। तो आज मैं आपके साथ बिहार झारखंड का मालपुआ का रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। होली आने वाला ही है तो इस होली में आप ये बाजार जैसे बिल्कुल सॉफ्ट मालपुए बनाएं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो देर ना करते हुए मेरी ये मालपुए की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब मालपुआ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 पके हुए केले को बिल्कुल ऐसे काट लिया है। अब हम इन केलों का एक पेस्ट तैयार कर लेंगे इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके। तो ये मैंने केलों को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इनका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम एक बॉल लेंगे और उस बॉल में 2 कप मैदा लेंगे। बॉल में मैदा डालने के बाद इसमें हम जो अभी हमने मिक्सर ग्राइंडर में केला का पेस्ट तैयार किया था वो पेस्ट इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। पानी हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसमें कोई लंग्स ना पड़े। तो यहाँ पर मेरा लगभग बैटर तैयार हो चुका है। बैटर की थिकनेस बिल्कुल आपकी इस प्रकार की होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लो में आपका बैटर गिरना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। आप नोट कर लीजिए इसका थिकनेस को। तो हमारा मालपुआ का बैटर तैयार है, अब हम इसका एक चाशनी बना लेते हैं। एक बॉल लेंगे और उसमें हम 1.5 कप चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद हम उसी कप से इसमें 2 कप पानी भी डाल देंगे और फिर गैस ऑन करके इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़कर एक बॉईल आने का वेट करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको मेरी ये मालपुआ का रेसिपी पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो लगभग गैस पे 5 से 6 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर छोड़ने के बाद आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। तो इस टाइम हम गैस का फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसे फिर से 5 मिनट के लिए ऐसे ही उबलते छोड़ देंगे। हमें इसका ज़्यादा गाढ़ा चाशनी नहीं, बिल्कुल पतला चाशनी चाहिए, ना कोई तार चाहिए चाशनी में, ना कुछ और चाहिए। मैं आपको बताऊँगा चाशनी किस तरह का हमारा होगा। 5 मिनट अच्छे से बॉईल करने के बाद आप थोड़ा सा चाशनी को ऐसे हाथ में लेके इस टाइप से करेंगे। आपको बस ऐसा फील आना चाहिए कि चाशनी हाथ में चिपक रहा है पर कोई तार नहीं बन रहा है इसमें। तो ये मेरा चाशनी मुझे फील हो रहा है कि हाथ में चिपक रहा है पर इसमें कोई तार नहीं बन रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस वक्त मैं गैस का फ्लेम को बंद कर दूंगा और इसे साइड में रख दूंगा। अब हम मालपुआ बनाने के लिए एक कढ़ाई में खूब सारा कुकिंग ऑयल को अच्छे से मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। जब तक तेल हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है तब तक जो हमने बैटर अपना तैयार किया था वो बैटर को लेंगे और उसे फिर कंटिन्यूअसली 1 से 2 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते रहेंगे। इससे हमारा मालपुआ बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यूअसली ऐसे मिक्स कर लिया है एक डायरेक्शन में और यहाँ पर मेरा तेल भी अच्छा सा गर्म हो गया है। तो अब हम इस गरम तेल में कंछुल की मदद से बैटर लेंगे और इसमें डाल देंगे बिल्कुल इस तरह से। तो इसी तरह से हम बैटर इसमें डालेंगे और अपना मालपुआ तैयार कर लेंगे। थोड़ी देर बाद हम मालपुआ को बिल्कुल इस तरह से फ्राई करेंगे। चारों तरफ से हम मालपुआ को इक्वली पका लेंगे। हमें मालपुआ को लगभग गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाना है। तो यहाँ पर मेरा पहला मालपुआ तैयार हो गया, ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो बस इसे हम इस वक्त निकाल लेंगे और जो चाशनी हमने तैयार किया है मेक श्योर कि वो हल्का गुनगुना रहे उसमें हम ये मालपुआ को डाल देंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसके बाद हम सारे मालपुए को बिल्कुल इसी तरह फ्राई कर लेंगे और ऐसे चाशनी में डालते जाएंगे। तो ये मैंने सारे मालपुए को अच्छे से फ्राई कर लिया था और उसके बाद इसे चाशनी में ऐसे डाल दिया है। अब हम इसे ढक देंगे और 3 से 4 घंटे के लिए इसे फ्रिज में छोड़ देंगे ताकि मालपुआ अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा और चाशनी भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। आप चाहे तो इसे बिना फ्रिज में भी डाल के खा सकते हैं। तो ये मैंने इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। उसके बाद इसे मैं एक प्लेट में निकाल लिया हूँ और इस मालपुए को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं इसके ऊपर मीठा कलरफुल सॉप डाल रहा हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो दोस्तों, इस होली के फेस्टिवल में आप अपने घरों में ये मालपुआ की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। बिहार और झारखंड की बहुत फेमस रेसिपी है और होली के फेस्टिवल में मालपुआ घर में ना बने तो फिर बात ही क्या हुई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में जो बगल में छोटी सी घंटी है उसे छू के ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये जरूरी है ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिलहाल अभी मेरे इस चैनल पर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक और अच्छे से रेसिपी के साथ। थैंक यू।